तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग परमिशन दे दो। और रिकॉर्डिंग की परमिशन मैंने दे दी है। आज हम वीबीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग आपके साथ डिस्कस करेंगे, और हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम यूज करते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो को, और रिकॉर्डिंग माइक्रो के ऊपर किस तरह का हम चेंजिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, ताकि हम उसको बेनिफिट में ला सके। और आज हम बात करेंगे अपनी फर्स्ट माइक्रो की, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट माइक्रो की रिकॉर्डिंग। तो डेवलपर में जाएंगे, विजुअल बेसिक, और यहाँ से इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल, और यहाँ पे सब्जेक्ट आप लिखें। यहाँ पे आप पब्लिक सब लिख सकते हैं और सब भी लिख सकते हैं, कोनो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम माइक्रो का नाम, जैसे कि मान लीजिए हमने फाइल डाल दिया, कोई बात नहीं, माइक्रो का नेम चाहे कुछ भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान रखिएगा कि आप माइक्रो का नेम जो है के बीच में, जैसे कि फाइल टूडे, फाइल टुडे, इस तरह का जो है चीजें नहीं डाल सकते हैं। कोई स्पेस, कॉमा, स्पेशल करेक्टर, इस तरह के फीचर्स आप इसमें ना डालें तो ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि वह एक्सेप्ट नहीं करेगा एक नाम के। इस तरह के जो फीचर्स हैं वो फीचर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सॉरी, यहाँ पे डॉट कॉमा डेसिमल्स कुछ ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, इसके अंदर में आप अंडरस्कोर लगा सकते हो। तो माइक्रो के नेम में ध्यान रखिएगा पहले कि जब आप माइक्रो का नेम लिखते हैं तो माइक्रो के नेम में आप जो है किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर नहीं डालेंगे, पहली चीज। दूसरी, आप इसमें अल्फा न्यूमेरिक भी जो है, आप इसमें अल्फा न्यूमेरिक भी यूज नहीं करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक मतलब, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे राज वन देता हूं नाम, तो राज वन भी यहां पे गलत होगा। यहां पे अगर राज वन करूं गलत होगा। अब राज वन गलत कैसे होगा, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। गलत इसलिए होगा इसमें क्योंकि आपके एक्सेल सीट पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे राज वन लिखता हूं तो राज वन नाम का रेफरेंस है, मतलब तो राज वन नाम के माइक्रो को आप ट्रिगर ही नहीं कर सकते, उसको रन ही नहीं कर सकते। इसलिए थ्री डिजिट, मतलब थ्री करेक्टर का अल्फा और न्यूमेरिक आप अवॉइड करें, नहीं लिखे। ऐसा करेंगे तो आपका माइक्रो रन नहीं करेगा। हाँ, आप इसके बीच में अंडरस्कोर लगा दें तो चलेगा। तो माइक्रो नेम, और दूसरी बात है, एक नाम के दो माइक्रो नहीं हो सकते एक फाइल में, याद रखिएगा। एक फाइल में एक नाम के दो माइक्रो आप नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो रन करने से पहले ही आपको एरर देगा। अब बात करते हैं कि माइक्रो लिखने से पहले कैसे लिखें माइक्रो हम। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके जो माइक्रो प्रोग्रामिंग है उसमें मेनली चार जो चीजें हैं वो मेन है। सबसे पहला एप्लीकेशन, दूसरा वर्क बुक्स, तीसरा शीट्स, और चौथा आपका रेंज। ये चार ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो आप नाउन प्रोनाउन सीखते हैं ना, पार्ट ऑफ स्पीच, कई सारे 8-7-8 पार्ट है। उसी तरह से अगर हम बात करें वीवीए के पार्ट ऑफ स्पीच के, तो इसके चार मेन पॉइंट है। मतलब कि आप कोई ट्रांसलेशन करते हो तो आप नाउन को सबसे पहले लिखते हो, तो नाउन के जगह पे इसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मुझे और कोड लिखना है कि क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट एड।
ओपन वर्कबुक्स, वर्कबुक डॉट ओपन स्पेस पाथ, क्लोज वर्कबुक, वर्कबुक्स फाइल नेम डॉट क्लोज। तो यहां पे वर्कबुक जो है आपका सबसे पहले आएगा। तो इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन आएगा या वर्कबुक आएगा या सीट्स आएगा या रेंज आएगा, और डिपेंड करता है लाइन ऑफ कोड के ऊपर, मतलब कि ऑर्डर के ऊपर या एल्गोरिदम के ऊपर। अब एल्गोरिदम क्या है इसके बारे में जानिए। अभी मान लीजिए कि भूपेश तोमर जी को एक प्रोग्राम मुझसे बनवाना है, एक माइक्रो मुझसे बनवाना है। तो भूपेश तोमर जी आप बताएंगे कि सर मैं, मुझे एक ऑटोमेशन करना है कि मैं बार बार क्या करता हूँ कि एक लोकेशन से फाइल को ओपन करता हूँ, फिर उसके डेटा को कॉपी करता हूँ, दूसरे शीट पे जाता हूँ, तीन कॉलम को डिलीट करता हूँ, एक कॉलम ऐड करता हूँ, उस पे वी लुकअप लगाता हूँ, फिर वी लुकअप को कॉपी पेस्ट करके रिमूव करता हूँ, फिर उसको पिवट टेबल से समराइज करता हूँ, फिर चार्ट लगाता हूँ, फिर सीट को मूव करके नई फाइलें बनाता हूँ, पिवट को रिमूव करता हूँ, फिर मेल सेंड कर देता हूँ। अब इतनी एक सोर में इतने से बोलेंगे और मैं उसको स्टेप बाय स्टेप नोट करूंगा, उसको कहलाएगा एल्गोरिदम। मतलब कि मान लीजिए कि हमें एक मैक्रो बनाना है, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, एक छोटा सा ऑटोमेशन करना है कि मैं यहाँ पे नेम लिखूं, मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखूं और मैं यहाँ पे मार्क्स लिखूं, फिर इन सबों का टोटल करूं, बॉर्डर लगाऊं, ऑल बॉर्डर अप्लाई करूं, और फिर यहाँ पे मैं टोटल लिखूं और यहाँ पे सम फॉर्मूला दूं। तो इस काम को, काम को करने के लिए वीवीएम ऐप को बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसकी सबसे पहले रजिस्टर जो होगी आपकी, उस रजिस्टर में जो मैंने बताया था आपको खरीदने के लिए, उसमें मैं एल्गोरिदम लिखूंगा कि स्टार्ट, स्टार्ट इट मीन डिक्लेरेशन, माइक्रो डिक्लेयर करना है, फिर हमें सीट वन पे जाना है, सीट वन सेलेक्ट या एक्टिवेट। उसके बाद हम यहाँ करेंगे रेंज, A1 सेलेक्ट सेलेक्ट एंटर नेम, B1 सेलेक्ट एंटर रोल, C1 सेलेक्ट एंटर मार्क्स, A1 से C10 सेलेक्ट अप्लाई ऑल बॉर्डर, तो बॉर्डर की स्पेलिंग मिस्टेक, A10 सेलेक्ट एंटर टोटल C10 सेलेक्ट अप्लाई सम, सॉरी एंटर सम फॉर्मूला, और इसके बाद ये एल्गोरिथम बना। अब इसके बिहाफ पे चलिए हम कोड करते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो, हमने माइक्रो यहाँ पे डिक्लेयर किया, इसी को हटा देता हूँ, इसी बे में तराजू को भी कह रहा है सीट वन एक्टिवेट। तो यहाँ पे लिखेंगे सीट वन डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे A1 डॉट सेलेक्ट, तो मैं लिखूंगा कि रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, फिर आता है एंटर नेम, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, फिर यहाँ पे आता है B1 डॉट सेलेक्ट, तो हम यहाँ पे A1 को B1 करते हैं और नेम को जगह पे रोल करते हैं। फिर यहां पेस्ट करते हैं, यहां पे C1 करता हूं,
और यहां पे करता हूं मार्क्स। उसके बाद ये हो गया हमारा। अब A1 से C1 सेलेक्ट, तो यहां पे हमने कर दिया रेंज A1 से C1। हम डॉट सेलेक्ट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको कट कर ले, इसको कर दे सेलेक्ट और हम कर देते हैं सिलेक्शन डॉट बॉर्डर लाइन स्टाइल, ये भी कर सकते हैं। फिर रेंज रेंज A1 डॉट A10 डॉट सेलेक्ट और इसमें हम दे देते हैं टोटल। और फिर यहां पे C10 और यहां पे हम दे देते हैं इक्वल सम C2 से C9। ये हमारा फॉर्मूला डन हो गया। मैं एक बार इसको रन करा देता हूं, या मैं इसको क्लियर ऑल कर देता हूं यहां से ना, क्लियर में यहां देखिए रन कर, यहां से भी रन कर सकते हैं। ओके, C10 करना था हमें यहाँ पे, और हम रन माइक्रोस भी कर सकते हैं यहाँ डेवलपर में माइक्रोस, और इसको रन करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिए, आप सोच रहे होंगे सर हमने, हम तो कोड ऐसे भी जनरली कर सकते थे तो इस ये क्यों लिखे हैं। देखिए एल्गोरिदम लिखना बहुत जरूरी है, इस दो चीजें। पहला सीक्वेंस, जैसे देखिए कि C21 को एक्टिवेट करना है पहले। अगर मान लीजिए C21 को एक्टिवेट करना है, कोड हम बाद में कर दें और कोड पहले लिख दें, तो जिस दो सीट एक्टिव होगा वो उसी सीट से अपना रिकॉर्डिंग, आपके माइक्रो के कोडिंग परफॉर्मिंग स्टार्ट कर दें। तो एक सीक्वेंस के लिए कि हाँ पहले हमें पिवट लगाने से पहले डेटा को सेलेक्ट करना है, सीट को इंसर्ट करना है, हमें फाइल को सेव करने से पहले पाथ पाथ को कैरी करना है, तो ऐसे चीजें हम पहले ये कर ले, सीक्वेंस पे कर ले। क्योंकि आपका VVA का जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन चलता है, कि वो पहले C21 को एक्टिवेट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, ऐसे वो लाइन बाय लाइन चलेगा। जिस लाइन में एरर आएगा वो वहीं पे रुक जाएगा, वो उससे नीचे नहीं जाएगा। तो एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है जब आप प्रोग्रामिंग, कोई बड़ी प्रोग्रामिंग करते हैं, छोटे मोटे प्रोग्रामिंग तो हमें याद ही रहता है, हम बात कर रहे हैं कुछ बड़ी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, कुछ बड़ी प्रोग्रामिंग का, तो वो जो बड़ी प्रोग्रामिंग है उसको करने के लिए हमें एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है सर? हेलो, जी सर, दूसरी एल्गोरिथम में दूसरी जरूरत पड़ती है आपको कब, जब आप किसी और का माइक्रो बनाते हो। किसी और के माइक्रो बनाने में प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि वो क्या स्टेप फॉलो करना चाहते हो, किस तरह के कंडीशन लगाना चाहता है। तो आपने सारी कंडीशन बताता है, वो सारी कंडीशंस को हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर में स्टेप बाय स्टेप उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग के किस स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका एनालिसिस, कि मतलब कि आप सबसे पहले किसी सबसे पहले आप प्रॉब्लम को एनालाइज करें कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, उसका छोटा से छोटा तरीका निकालें, फिर आप लिखे उसका एल्गो, उसकी एल्गोरिदम, या एल्गो भी कर सकते हैं शॉर्ट में, एल्गो लिखें,
ताकि उसकी एक मतलब कि जो आपने छोटा तरीका निकाला है उस तरीके को स्टेप बाय स्टेप लिखें, फिर उसको कोड करें, उस एल्गोरिथम के बिहाफ पे आप उसको कोड करें, कोड करने के बाद उसको आप टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद अगर ओके है तो ठीक है, वरना रीकोड होगा या फिर और रीटेस्ट होगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा टेस्ट सक्सेसफुली हो ना जाए, उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग को करने का स्टेप है सबसे पहला एनालिसिस, उसके बाद एल्गोरिथम, कोडिंग, टेस्टिंग, रीकोडिंग, रीटेस्टिंग एंड अप्लाई। समझ गए? अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए ना सर कि आपने बिना सोचे समझे माइक्रो बना दिया, तो अभी आपकी जरूरत कुछ और है, इन फ्यूचर में आपकी जरूरत में कुछ और चीज एड ऑन हो जा रही है आपकी। मान लीजिए कि अभी आपने मैक्रो बना दिया जिसमें 200 रेंज था, कल के डेट में डेटा बढ़ा आपको 500 रेंज हो गया, तो आपका मैक्रो तो रुक जाएगा ना। तो मैक्रो कोड करते समय भी सोचे कि इन फ्यूचर में रेंज बढ़ेगा तो डायनेमिक कैसे हो, कैसे बढ़े। तो इन सबों को एनालिसिस करने के बाद ही हम एल्गोरिथम तैयार करेंगे। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा यहां पर बात आता है कि हाउ कैन डिसाइड कि मुझे सीट्स लेना है कि रेंज लेना है या वर्कबुक लेना है या एप्लीकेशन लेना है। ये चीज डिपेंड करती है आपकी इसके ऊपर, प्रॉपर्टी ऑफ कोड के ऊपर डिपेंड करती है, जो आप प्रॉपर्टी ऑफ वर्क बोलते हैं उसको, कि आप जिस कोड को परफॉर्म, जिस लाइन को परफॉर्म करना चाहते हो वो लाइन इफेक्ट किस पे कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे है कि सीट वन को एक्टिवेट करना है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फाइल की बात नहीं हो रही है, किसी डेटा रेंज की बात नहीं हो रही है, सीट्स की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है हमारा सीट ऑब्जेक्ट से कोड स्टार्ट होगा। इस तरह से अगर मान लीजिए कि ओपन अ फाइल, क्रिएट अ फाइल, सेव अ फाइल, अगर आपका कोडिंग किसी फाइल को इफेक्ट कर रहा है तो आपकी कोडिंग वर्कबुक से स्टार्ट होगी, और किसी रेंज को इफेक्ट कर रहा है तो किसी, मान लीजिए कि मुझे A1 पे 10 टाइप करना है, तो किसी रेंज पे डिफेंड हो रही है तो किसी रेंज को, किसी रेंज से हमारा कोड स्टार्ट होगा। तो चार ऑब्जेक्ट है और सामने आपका एक वीकेंस है, समझ गए सर? तो इस वीकेंस में आपको चारों ऑब्जेक्ट्स के मेंबर को पढ़ना है, जैसे कि सीट्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सीट वन आपका ऑब्जेक्ट डिटेल हो गया, और सिलेक्ट आपका मेंबर हो गया, मतलब वेयर एंड डू, या आप लोकेशन एक्शन कह सकते हैं। ठीक है सर? तो इसके लिए आप जो है यहां हेल्प बनी हुई है ना, इस हेल्प पे क्लिक करें। इस हेल्प पे क्लिक करें तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की साइट खुल के आएगी। उसमें आप देखिए VVA रेफरेंस, एक्सेल VVA रेफरेंस दिखेगा, इस एक्सेल VVA रेफरेंस पे क्लिक करें। उसके बाद आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस, उस पे क्लिक करें आप। मतलब कि पहले आप हेल्प पे खुलेंगे, फिर इसका VVA रेफरेंस पे जाएंगे, देन ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस पे जाएंगे, और ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन सबों को नहीं पढ़ना है, इसमें से आपको पढ़ना है वर्कबुक, सीट्स एंड रेंज। ठीक है? इसमें आपको ये देखिए आपके पास वर्कबुक है, मैं इसको ओपन करता हूं नई शीट में। उसके बाद उसी तरह से आपके पास रेंज होगा, उसी तरह आपके पास सीट्स होगा। रेंज ऑब्जेक्ट है, रेंज या रेंजेस दोनों पढ़िएगा। यहां हो गया ए, इसका इसके थ्योरिकल पार्ट है, इसका एग्जांपल है, और ए इसके इवेंट्स हैं, और ए इसके मेथड है, और एक और आएगा प्रॉपर्टी। ठीक है ना? प्रॉपर्टी। तो इसमें से आपको ये नहीं कर रहा हूं कि पूरे को पढ़ना है, जो आपको समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए ज्यादा मेथड को पढ़िएगा, प्रॉपर्टीज और इवेंट छोड़ दीजिएगा, मेथड पढ़िएगा। जैसे कि एक्टिवेट आपको समझ में आ रहा है, एक्टिवेट होता है, क्लोज समझ में आ रहा है कि बंद करना है,
उसी तरह से आपको जो जो आपको कोड समझ में आए, प्रोटेक्ट, पासवर्ड डालना है, प्रिंट आउट, प्रिंट प्रीव्यू, रिफ्रेश, समझ गए ना, सेव, सेव एज। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही इसका पूरा डिटेल खुलेगा कि इसका मेथड क्या है, पैरामीटर क्या है, क्या क्या डालने हैं, क्या क्या नहीं डालने हैं, ऑप्शनल है, कौन रिक्वायर है, ये सब आपको दिखेगा विथ डेफिनेशन, और साथ में उसका एक एग्जाम्पल भी दिखेगा आपको। ठीक है सर? तो ये वीकेंड्स 2 दिन का टाइम है आपके पास, इसको आप पूरा कर लें। फिर मंडे से हम आपकी वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे कि वर्कबुक, वर्कशीट, सीट्स, रेंज कैसे हैंडल किया जाता है। उसके बाद फिर हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर? अनिल जी, अनिल जी, भूपेश दी एंड मंडे। जी बिल्कुल ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, तो मिलते हैं मंडे। ओके, बाय।